देखो यार, मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता रहा हूं कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा। मेरा बस इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो यही है कि मेरे को आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे को थोड़ा मोटिवेट करो, जिससे कि मैं अपनी सारी की सारी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में मैं इस टाइम फंसा हुआ हूँ, उससे बाहर आ पाऊँ। बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मतलब इसलिए आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे यार, मेरे चैनल पे 2 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, बिकॉज पिछले 5 महीनों से घर की स्थिति इतनी खराब चल रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी पिछले साल 3 नवंबर को 2023 में जो मेरी माता जी है, मदर, वो एक्सपायर हो गई थी शुगर के चलते, और फिर उसके 2 महीने बाद मेरे पिताजी हैं, वो अब बेड रेस्ट पे हैं और अभी भी बेड रेस्ट पे हैं। उनका जो लीवर है वो पूरी तरीके से डैमेज है, एक तरीके से कहूँ तो सिरोसिस स्टेज चल रही है। सिरोसिस स्टेज में यही होता है कि लीवर 95 से 100% डैमेज हो जाता है, और बहुत कम चांस होते हैं कि भाई वो ठीक हो जाए। इसका सटीक इलाज अगर कहें, मतलब डॉक्टर की लैंग्वेज में बोले, तो भाई डॉक्टर तो ये बोलता है कि भाई ट्रांसप्लांट करा लो, और देखो ट्रांसप्लांट कराने में पैसा भी बहुत ज्यादा है, और फिर उसके बाद में भाई डोनर भी चाहिए होता है, ठीक है, तो जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि भाई लीवर 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 के अलावा किडनी में भी डैमेज है, तो किडनी भी चेंज करानी पड़ सकती है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। बस मैं आपसे यार इतना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। सपोर्ट करने के लिए बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब से 5 महीनों से घर में स्थिति खराब चल रही है, तब से जितनी भी सेविंग थी, जितना भी मतलब मनी था हमारे पास, वो लगभग सब खत्म ही हो चुका है, खर्च ही हो चुका है ना। और सारी चीज संभालनी मेरे को ही है, मैं अपने घर में अकेला हूँ। अब तो मम्मी भी नहीं है और पापा की भी स्थिति इतनी खराब है कि अगर डॉक्टर से सीधा सीधा पूछने लोगों तो डॉक्टर यही बोलता है कि भाई उम्मीद नहीं है कि वो बच जाएंगे, ठीक है। अब वो तो नहीं पता, वो तो भगवान को पता है, लेकिन डॉक्टर तो यार यही बोलते हैं। और अभी की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसा भी खत्म हो रहा है, तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बस आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। बस आपकी इतनी ही हेल्प मेरे को चाहिए। मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, या फिर मैं आपसे कोई भाई ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ऑनलाइन पे कर दो या फिर मेरे को इतने पैसे दे दो। देखो अगर मेरे को जरूरत होती है, फिर मैं पैसे लेने वाला होता तो यार मैं आपको बोल सकता था कि ऐसे ऐसे घर में प्रॉब्लम है, आप मेरे को पैसे पे कर दो, आपको नंबर दे देता। लेकिन नहीं यार, मेरे को इस तरह से पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार जो भी पैसे आए, जो भी पैसे मैं खर्च करूँ पापा के ऊपर या फिर अपने घर पे खर्चे के लिए, वो अपनी मेहनत का खर्च करूँ, ठीक है यार। भीख मांग के कोई फायदा नहीं है। मैं अब कोशिश करूंगा कि इस पे डेली वीडियो है, जिससे कि आप वीडियो को देखो, शेयर करो और उस पे डेली व्यूज आ सके। देखो व्यूज आएंगे ना, पता है यूट्यूब पे व्यूज आएंगे ना, आप अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि मेरी जो मंथली इनकम है वो बन जाएगी। 1-2 महीने में सारी चीज खत्म हो जाएगी, एकदम सब कुछ जीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद में लोन लेने के अलावा या फिर कर्जा लेने के अलावा भाई कुछ नहीं बचता, जो कि मैं नहीं लेना चाहता। आप सभी को पता है कि लोन लेना या फिर कर्जा लेना किसी से कितना महंगा पड़ता है भाई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है लड़के की, ठीक है। और मैं ये सब नहीं चाह रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो बस इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का मेन मोटिव बस इतना ही है दोस्तों कि आप प्लीज मेरे को सपोर्ट कर दो। मैं अगर YouTube से इनकम बना लूंगा, मतलब अगर आप सपोर्ट करोगे और व्यूज मेरे को मिलेंगे, तो यार YouTube से इनकम हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं सिचुएशन को संभाल सकता हूँ। मतलब ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन यार कुछ तो ठीक होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो उससे मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को ये नहीं रहेगा कि हाँ यार मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं अकेला हूँ। देखो हूँ तो मैं अकेला ही, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ यार मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, वो मेरे साथ है, ठीक है। और जो सिचुएशंस है, ये जो आगे कुछ आने वाली है सिचुएशन, भगवान ना करे कि आगे कुछ ऐसा बुरा हो, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। डॉक्टर्स की बात सुनता हूँ तो उम्मीद टूट ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं तोड़ रहा, क्योंकि डिमोटिवेट होना मैंने कभी सीखा नहीं है। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि यार कोई भी स्थिति आए, कोई भी दुख हो, अब जैसे हो भी रहा है, मतलब सिचुएशन चल रही है, तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी यही बोलते हैं, अभी स्थिति खराब है ये तो सच है, लेकिन इस स्थिति को संभाला जा सकता है।
और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे से संभाल लूंगा। मैं अपने आप को अकेला नहीं फील करूंगा, वरना यार मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करता हूँ। आप सोच सकते हो, आप एक बार खुद इमेजिन करके देख लो यार, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो भाई, पैसा भी ना हो, आपकी आपकी मम्मी भी आपके पास ना हो, और आपके पापा का भी ऐसा चल रहा, मतलब इस तरह हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? और करने वाले सिर्फ आप अकेले हो, कोई रिश्तेदार भी साथ ना हो, कोई दोस्त भी साथ ना हो, फैमिली मेंबर कोई भी साथ नहीं है, केवल आप अकेले हो। और अकेले आप क्या करोगे भाई, डिप्रेस हो जाओगे बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे साथ यही हो रहा है। और इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, हाथ जोड़ से आपके विनती है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो यार यूट्यूब से थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, जिससे मुझे बहुत सहारा मिलेगा। ओके।